Good evening, everybody. चलिए हम शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट वगैरह का जो देते हैं आर्टिकल, पढ़िएगा ध्यान से आप लोग। हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं करते हैं क्योंकि ये बार बार आता है और कुछ ना कुछ बात होता ही है इस पर। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? सी लेवल राइज। तो इसमें सी लेवल राइज जब होगा तो कैसे दुनिया के लोग अफेक्टेड होंगे उसके बारे में दिया हुआ है। ये लगभग लगभग हर वीक में एक बार आता है, तो आप इसको पढ़िए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि इंडोनेशिया पर बहुत फर्क पड़ेगा, ये जो सी लेवल राइज है। थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, सी लेवल राइज हो क्यों रहा है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अंटार्कटिका में जो कंटिनेंट है उस कंटिनेंट पर पूरा का पूरा स्नो कवर है। तो ये जो स्नो कैप्ड, वो पूरा का पूरा, आप सोचिए पूरा अगर ऑस्ट्रेलिया में पूरा का पूरा स्नो कवर्ड रहे, या पूरा एक अमेरिका को सोचिए पूरा स्नो कवर्ड है, तो बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है वहाँ पे वो इकट्ठा होता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि वो पिघलना शुरू होगा ओशन में आ जाएगा। और दूसरी बात कि थर्मल एक्सपेंशन भी होगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर खुद ही एक्सपेंड करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कोस्टल एरिया है वो धीरे धीरे करके डूब जाएंगे। तो इंडोनेशिया इतना डर रहा है कि वो बोल रहा है कि हम अपना जो कैपिटल है वो कैपिटल को हटा करके ले करके ईस्ट कलिमंटान में ले करके चले जाएंगे, ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। मतलब जकार्ता जो है वैसे जावा आइलैंड पर है, लेकिन जावा से शिफ्ट कर देंगे, बोर्नियो में लेके चल जाएंगे। इसको इट इज जो जावा है, इट इज मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जावा ट्रॉपिकल एरिया के आइलैंड्स जो होते हैं उनके पॉपुलेशन आसान नहीं है वहाँ बढ़ाना, बट स्टिल वो जो जावा है दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड है। और जकार्ता इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी। तो ये सब इफेक्ट है। मुंबई पर असर पड़ेगा अगर अगर इस तरह से सी लेवल राइज होगा, तो गंगजाओ, जकार्ता, मियामी, मैनिला, ये सब पर असर पड़ेगा। इंडोनेशियन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट शुरू की है, उसको बोलते हैं जैंट सी वॉल, जैंट गरुड़। ये गरुड़ देख लीजिए हमारा हिंदी वर्ड है क्या। तो ये जो ताकि जो सिटी है उसको फ्लड से बचाया जा सके। ये 2014 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट देखिए, नॉर्थ अटलांटिक में जो भी आइलैंड्स है, बड़े पॉपुलस है, इंडिया दुनिया में बड़े डेवलप्ड नेशंस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, कई सारे कंट्रीज है। तो इन कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थॉट एक आया हुआ है कि एक नॉर्थ यूरोपियन इनक्लोजर डैम बनाया जाएगा, जिससे कि इनको वॉल बना करके इनको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा ताकि समुद्र का पानी इन देशों में नहीं घुस सके। तो ये जो है ये काफ़ी सारे प्लान किए जा रहे हैं, बाकी आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा इफेक्ट है। अच्छा, इस पर हम लाइफ साइंस से शुरू किए हैं, वर्ल्ड से नहीं शुरू किया है। दूसरा इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जिनको अगर अटलांटिक में आए, तो जिनको हम बोलते हैं हरिकेन्स, और अगर वेस्टर्न पैसिफिक में आए तो बोलते हैं टाइफूनस। तो लेकिन हैं सारे के सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, नाम अलग अलग एरिया में अलग अलग रखा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग से के कारण ये जो फ्रीक्वेंसी है ये काफ़ी बढ़ गया है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का। ओशन ट्रॉपिकल एरिया में ओशन का वार्मिंग होगा तो मॉइस्चर जो होगा स्टीम, वो मॉइस्चर ऊपर जाएगा तो
ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, वो जब हटेगा वहाँ से तो फिर कहीं साइड से वहाँ पे एयर आएंगे। तो अगर ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया पानी गर्म हो रहा है, इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो हवा आएगा, आ करके फिर गर्म होगा, फिर उठेगा, बार बार जो ये हवा उठेगा तो ये जो इवेपोरेशन होता है और मॉइस्चर एयर में, अगर मॉइस्चर हो तो वो एक तरह का उसका फ्यूल है, उसका एनर्जी, तो वो क्लाउडी हो जाएगा, और बार बार जो नीचे से सप्लाई हो रहा है मॉइस्ट वाटर का, उस मॉइस्ट वाटर का सप्लाई से वो धीरे धीरे करके सर्कुलेट होने लगेगा। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में है अगर तो क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेगा, और इसके बाद बड़ा तेज़ी से मूव करना शुरू करता है, काफ़ी स्पीड हो जाता है। तो मूव करने के बाद वो जब ज़मीन से टकराता है, उसको बोलते हैं लैंडफॉल, ऐसा टर्म बोलते हैं लैंडफॉल। तो साइक्लोन जो होता है वो लैंडफॉल करता है, तो भारी डिस्ट्रक्शन करता है जहाँ पर लैंडफॉल करता है, लेकिन उसके बाद लैंडफॉल के बाद वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसका फ्यूल मॉइस्चर ही है, लैंड से गुजरते हुए उसको मॉइस्चर नहीं मिलता है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। समुद्र में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, कोस्टल एरिया में डैमेज काफ़ी करते हैं, आपको तो पता है इधर में कितने सारे हैं, फनी और रिसेंट में जो बंगाल में डैमेज किया। तो अभी खैर हम लोग का बात यह है कि ये हरिकेन आया अमेरिका में, उसको हना बोलते हैं, ये लैंडफॉल किया, कैटेगरी वन, 5 कैटेगरी के होते हैं, स्पीड के बेसिस पर इनको क्लासिफाई करते हैं, तो ये फर्स्ट कैटेगरी का था। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव ये सब इवेंट्स है ये बढ़ जाएंगे, बाकी आप लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ेंगे बहुत कुछ। तो देयर आर 5 कैटेगरीज, बाकी आपका काम है। हना एज कैटेगरी 1, इसमें कैटेगरीज को यहाँ पे डिफाइन भी किया है, पढ़ लीजिएगा और भी कि अबोव नॉर्मल हरिकेन सीजन इज एक्सपेक्टेड इन यूएस, मतलब नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, क्यों, वार्मर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। बताइए दिए, वार्म मॉइस्ट एयर इज अ फ्यूल जो उसको ताकत देता है। यहाँ पे मैकेनिज्म है कि ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स मैकेनिज्म कैसे बनते हैं, बताया ना, वो एयर ऊपर उठेगा मॉइस्ट एयर और लगातार वो सप्लाई होगा तो बहुत बड़ा एयर मास वहां पे आ जाता है। उनका नेमिंग कन्वेंशन पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन देख जाइएगा। ये हम छोड़ रहे इसलिए क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं, फिर कभी बाद में आएगा इंडिया में तो फिर कवर कर लेंगे कैसे नाम दिया जाता है। इंडियन ओशन में जो आते हैं स्टॉर्म्स या अरेबियन ओशन में, वो रिपीट नहीं होते इनके नाम, लेकिन अमेरिका में जो आते हैं उनके नाम रिपीट किए जाते हैं, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इस पर अभी दिमाग नहीं लगा रहे, आगे बढ़ते हैं। एक टाइम था जब ये जो इंडिया का हिस्सा है वाला है और ये हमारा अफ्रीका का हिस्सा है, ये इंडियन हिस्सा जो था यहाँ पे जुड़ा हुआ था मेडागास्कर और ये इंडियन हिस्सा, ये जुड़ा टूट करके बाहर निकला है। तो जब ये जुड़ा हुआ था तो उस समय का एक अभी फॉसिल मिला है, वो इसको कोंगनाफोन केली बोले है इस फॉसिल को, जिसका मीनिंग होता है मलागेसी लैंग्वेज में टाइनी बग स्लेयर। ये डायनासोर्स का ये एंसेस्टर है, ये तो छोटा सा करीब 1 फीट और सो, वो उतना बड़ा एक रेप्टाइल,
दस सेंटीमीटर का, केवल 10 सेंटीमीटर का एक फॉसिल मिला है, कंप्लीट फॉसिल। उस फॉसिल से पता चलता है कि डायनासोर, डायनासोर को आप लोग जानते हैं, और टेरोसॉर्स, टेरोसॉर्स मतलब उड़ने वाले रेप्टाइल्स, इन दोनों के जो एंसेस्टर्स थे वो कॉन्गोनाफोन के लिए, छोटा सा एक 10 सेंटीमीटर टॉल एक रेप्टाइल था। ये रेप्टाइल जो है, इसका फॉसिल इंडिया में भी मिलने का चांस है, क्योंकि जैसा बताए कि ये मिला है मेडागास्कर से, लेकिन मेडागास्कर और इंडिया कभी ज्वाइंट थे, तो खोज करने पर यहाँ पर भी वो मिल जाएगा। तो मेडागास्कर वाज अटैच्ड टू इंडिया एज पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गुंडवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ के समझ लेंगे तो हम इस पर बुद्धि नहीं लगा रहे ज़्यादा। आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोग राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, और राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस में, ह्यूमन बीइंग्स में राइट हैंडेडनेस डोमिनेटिंग है, वो ज़्यादा लोग राइट हैंडेड ही होते हैं। और ये जो चीज़ होता है वो इनट होता है, ये आप बदल नहीं सकते। कई माँ बाप अपने बच्चों को लेफ्ट हैंडेड होता देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि राइट हैंडेड हो जाए, वो हो नहीं पाएगा क्या। तो अभी एक स्टडी हुआ है जिसमें कि ये एलिफेंट्स, क्या राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ट्रंक से, ट्रंक को कैसे यूज करते हैं, तो ये पता चला है कि इनमें भी लैटरलिटी होता है, जिसको रफली राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस बोल जाता है, लैटरलिटी। ह्यूमन बीइंग से फर्क ये है इसमें कि ह्यूमन बीइंग में राइट लैटरलिटी जो होता है वो डोमिनेटिंग है, एलिफेंट्स में ये ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये बचपन के कुछ महीनों में एलिफेंट्स में ये लैटरलिटी दिखने लगता है। बाकी आपको समझ में आने लायक है, ये सब आर्टिकल में हम नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग न्यूज है, ये इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि कहानी पहले सुना देते हैं फिर इसमें देख लेंगे, कि अमेरिका की एक अमेरिकन अफ्रीकन लेडी, इस लेडी को एक ट्यूमर होता है। ये बात कब का है, 1951 का, 1951, इससे पहले 1947 साइकोलॉजी वालों का भी काम का है, जनरली भी काम का है। 1947 में ह्यूमन बीइंग पर एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, नियम बन चुके थे। अच्छा आप लोग एक मिनट वेट कर लीजिए, वो बस तुरंत हम आ रहे वापस। अभी आप लोग का बफरिंग होगा लेकिन हम आ जाएंगे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, जो बात बोल रहे थे वापस आ गए हम लोग। अच्छा तो बात ये बोल रहे थे कि चलिए फिर से वापस वहीं से शुरू करते हैं कि 1951 में कुछ हो रहा है। आप अभी एक डेट ये याद रखिए, दूसरा डेट 1947 याद रखिए। 1947 में ह्यूमन बीइंग पे कैसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे इसके लिए नियम बन चुके थे। उसमें से एक नियम साइकोलॉजी वाले भी याद रखिएगा हमेशा, दिस इज
वॉलेंटरी इनफॉर्म्ड कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉलेंटरी इनफॉर्म्ड कंसेंट, ये साइकोलॉजिकल स्टडी में भी और साइंटिफिक स्टडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बॉडी से अगर कोई साइंटिस्ट बोलता है कि हम रिसर्च करेंगे, आपका टिश्यू निकालने दीजिए, थोड़ा ब्लड दीजिए, तो वो आपसे एक फॉर्म पे साइन कराएगा। अगर देखा जाए इथिकली तो उसको बताना भी चाहिए कि वो क्या करेगा, सब कुछ, सब बातें बतानी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी इनफॉर्म्ड कंसेंट। तो इसका नियम बन चुका था, लेकिन रेसिज्म जो है वो बड़े उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नियम जो होते हैं कई बार वो वाइट्स के लिए वो एप्लीकेबल होते हैं, वो ब्लैक्स के लिए नहीं एप्लीकेबल होते। हम लोग के देश में आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, वहाँ पे वाइट ब्लैक्स है, तो यहाँ भी इस तरह का कुछ ना कुछ है जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। खैर, बात ये है कि लेडी है, इसका नाम है हेनरीटा लैक्स। ये लेडी बीमार पड़ती है, इसके 5 बच्चे भी हैं, ये बीमार पड़ती है और ये जाती है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो देखता है कि वो उसको सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, इसका चर्चा आएगा चूंकि, तो हम ये बात आपको बता दे रहे हैं। ये आप बहुत लोग पहचान ही गए होंगे, दिस इज यूटेरस, ये एरिया जो है दिस इज यूटेरस, ये जो है ओवरी है, और जहाँ पे वेजाइना और यूटेरस मिलता है उस जगह को बोलते हैं सर्विक्स। ये सर्विकल कैंसर इस लेडी को था, इस कारण से लम्प्स बने, ट्यूमर, और ये लेडी का डेथ हो गया। दिस इज 1951। अब ये लम्ब्स जो था वो डॉक्टर, लम्ब्स ट्यूमर, ट्यूमरस ग्रोथ, बॉडी में ट्यूमर बन गया है, उसको डॉक्टर निकाल लिया और उसको वो कल्चर किया, मतलब उसको इनविट्रो आगे बढ़ाने कोशिश किया कि उसका डिवीजन हो सके। इसके पहले जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्चर्स कई बार कोशिश कर चुके थे कि ह्यूमन सेल को इमोर्टल बना दिया जाए, कभी ना मरे, वो हमेशा डिवाइड होते रहे, तो लेकिन वो कभी नहीं हो पाया क्योंकि ह्यूमन सेल्स इवेंचुअली मर जाते थे इनविट्रो। ये एक ऐसा सेल मिला इन लोगों को, इस लेडी का सेल, जो हमेशा डिवाइड करता गया और कभी नहीं मरा। तो इनके हाथ में वो चीज़ लग गया जो जो वो यूं नहीं बना पा रहे थे, और वो भी चीज का यूज जब करना शुरू किए तो उस लेडी को कुछ पता नहीं था कि मेरा लम्ब्स है, मेरा फ्यूचर में, तो लेडी का तो ऐसे भी डेथ हो चुका था, या उनके डिसेंडेंट को नहीं पता था कि ये इस तरह से यूज हो रहा है। तो वो राइटर जो है बेसिकली इसमें बात किया है कि इनफॉर्म्ड कंसेंट का क्या हुआ। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि ये तो ट्यूमर का ग्रोथ तो बहुत गजब था, ये तो डॉक्टर्स खुश हो गए कि ये 24 आवर्स में डबल हो जा रहे थे, 1000 से 2000। तो मास रेप्लिकेशन अगर कर पा रहे हैं तो मेडिकल रिसर्च में काम आएगा, दवा वगैरह डाल के देखेंगे कि दवा का असर क्या हो रहा है टिश्यू पे। तो ये सेल को बोलते हैं हेला सेल्स, ये सेल लाइन को ही बोलते हैं इमोर्टल सेल्स, हेला सेल्स, हेला सेल्स। यहाँ पे देखते हैं हेला सेल्स, वाई हेला, हेनरीटा लैक्स, तो हेला, हे ला, हेला, ठीक, तो हेला सेल्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेला सेल्स, हेला लाइन ऑफ सेल्स। तो ये बहुत ही फेमस सेल है ये। अब देखते हैं इसका क्या क्या यूज हुआ। पोलियो का टीका साल्क मेथड से जो बनाया गया था वो इसी पर टेस्ट हुआ, ठीक, सक्सेसफुल टेस्टिंग रहा, इसका क्लोनिंग हुआ। इसके बाद ये भी पता चल गया कि सर्वाइकल कैंसर के पीछे कारण क्या है, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी पता चल गया उससे।
ठीक, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन भी उसी सेल कल्चर के कारण बन पाया, और उस पर फिर नोबेल प्राइज भी मिला 2008 में। लेकिन बात यह है कि 2008 में नोबेल प्राइज मिला जिसका सेल से मिला, उसके डिसेंडेंट को उसका कुछ नहीं मिला, उस पर कोई कंट्रोल नहीं मिला। तो वो राइटर एक्चुअली साइंटिफिक डिस्कवरी से ज़्यादा फोकस्ड है कि लोगों के साथ क्या करते हैं। तो चूंकि वो ब्लैक थी, हर कंसेंट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी बाय मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट। उनको पता चला केवल 1970 में उनके डिसेंडेंट को कि हमारी मदर या मदर लाइन के लोग को का ये यूज हो रहा है सेल, और उनको कुछ कंट्रोल 2030 में मिला। आगे देखते हैं। लेकिन कोड जो है कि कैसे, एक गायनेकोलॉजी का जो स्पेलिंग है ना, यहाँ पे रेड दिखा रहा है, दिस इज रॉन्ग, ये गायनेकोलॉजी होगा, ये अमेरिकन आ जाता है बीच बीच में, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा यहाँ। अच्छा, तो नाइनटीन में ही कोड बन गया था। उसको बोलते हैं नरम बर्ग कोड, ताकि लोगों से कंसेंट लिया जा सके, वॉलेंटरी। इसमें इन्फॉर्म्ड वर्ड छूटा हुआ है, इन्फॉर्म्ड भी होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये नहीं खाली साइन मरा दिया, तो वो तो वॉलेंटरी तो है लेकिन इन्फॉर्म्ड नहीं है। तो ये हम क्या दिखा रहे हैं, एक तो एक इन्फॉर्मेशन दिए क्या उस हेला सेल्स के बारे में, और दूसरा दिखा रहे हैं कि कैसे मिस्ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं और देखते हैं। ये पर्सन है जे मैरिसन सेम्स, ये फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी बोलते हैं इनको। ठीक, एक बीमारी होता है उसको बोलते हैं वेसिको वेजिनल फिस्टूला। ये चाइल्ड बर्थ के दौरान होता है, जिससे पेन होता है, यूरिन लीकेज वगैरह होता है। तो वो खैर, ये पर्सन कौन है, जे मैरिसन सीम्स, फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी। लेकिन ये फादर बने कैसे गायनेकोलॉजी के, वो ऑपरेशन किए स्लेव्स पर विदाउट देयर कंसेंट एंड विदाउट एनेस्थेसिया। ठीक, सीख रहे हैं स्लेव्स पर, और धीरे धीरे करके फादर ऑफ गायनेकोलॉजी हो गए। ठीक, एक सिफिलिस स्टडी हुआ, बहुत अजीब अजीब हुआ है दुनिया में कांड। सिफिलिस स्टडी में और भी टस्किजी सिफिलिस स्टडी, यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ये इस स्टडी को किया था। ठीक, 1932 से 1972 तक किए क्या, ये अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को सिफिलिस से इन्फेक्ट कराए, ये देखने के लिए कि इनमें जो सिफिलिस होता है, क्या वाइट लोगों में जो सिफिलिस होता है उससे क्या फर्क होता है। ठीक, कंट्रोल भी रखे, मतलब कि सिफिलिस जिसको नहीं दिए और कुछ जिनको सिफिलिस दिए। तो ये हाल था, ये सारे के सारे सब ब्लैक्स थे, पुअर शेयर क्रॉपर्स, और उनको बाद में जब ट्रीटमेंट था सिफिलिस का, ट्रीटमेंट नहीं दिए, इवन बाद में पेंसिलिन आ गया ट्रीटमेंट के रूप में, उस पेंसिल को भी ट्रीटमेंट के रूप में नहीं दिए। तो सिफिलिस करवा भी दिए और ट्रीटमेंट भी नहीं दिए। ये जो है, ये टस्किजी स्टडी है ये। इसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट वहां के देसी बच्चों पर, अमेरिकन देसी बच्चे पर स्टडी की, जिस किस बात का स्टडी, कि अगर खाना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशस फूड नहीं दिया जाए तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है। तो बच्चों को न्यूट्रिशस फूड नहीं दे करके और स्टडी कर रहे हैं ये। खैर, इसमें कंसेंट क्या लेंगे ये। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पर भी, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी बच्चों पर भी इस तरह के ही टेस्ट हुए हैं। तो ये हम लोग जो ये आर्टिकल पढ़े हैं, इसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी काम का है, और साथ ही साथ
इथिकल प्रैक्टिसेज जो है जो साइंस में नहीं हुए हैं या कभी कभी अभी भी नहीं होते हैं उसके बारे में बात है। साइकोलॉजी वाले लोगों के लिए बहुत काम का है। साइकोलॉजी में एथिक्स इन साइकोलॉजी एक टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं। आसाम में एक बीमारी फैला हुआ है अभी जिसको बोलते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर, या ये पिग्स को होता है, ये ह्यूमन को नहीं होता है, पिग टू ह्यूमन नहीं होता, ये पिग टू पिग ही होता है, लेकिन चाहे वो मरा हुआ पिग हो या कुछ भी इन्फेक्टेड इनको हो जाता है। हाँ, सिस्ट और फाइब्रॉइड में भी ऐसे ही होता है, लेकिन लेकिन ऐसा है ना सूरज, ट्यूमर तो इसमें होता है लेकिन ये कैंसरस हमेशा नहीं होता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता चला जाएगा और हमेशा वो कैंसर का रूप ले लेगा। उसको कैंसर नाम जल्दी नहीं देते हैं। अगर एक स्टेज आता है जब वो कैंसर में तब्दील हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा। खास करके अगर सिंगल सिस्ट है तो, सिंगल सिस्ट है तो जनरली कैंसरस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो होता है ये आसाम में फैला हुआ है, तिब्बत से आसाम में पहुंचा हुआ है और चाइना में 2019 में पहुंचा था। चूंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है तो उन पिग्स को मार देना ही एक रास्ता निकल करके आता है। इसका फैटलिटी रेट इज 100%। पिग को हुआ तो मरेगा, तो पिग को अगर हुआ तो मरेगा तो उसको मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो फिर ये और भी तेजी से फैलेगा। तो ये कांटेक्ट बोले कांटेक्ट के थ्रू ही होता है, या फिर वो कुछ फूड खा लिए, या फिर टिक्स वगैरह काटे एक को और दूसरे को तो ये फैलता है, लेकिन ये खैर ये ह्यूमन बींग को नहीं होता। इसके जो सिम्टम्स हैं एग्जैक्टली क्लासिकल स्वाइन फीवर जैसे ही होते हैं, एग्जैक्टली अफ्रीकन स्वाइन फीवर। हाँ बताए थे, लेकिन वो हो गया, 2 महीना पुराना बात हो गया, फिर इसलिए रिपीट कर दे रहे हैं। तो ये जो होते हैं क्लासिकल स्वाइन फीवर जैसे होते हैं, और लेकिन चूंकि इसका वेक्टर, इसका पैथोजन जो है वो अलग अलग है, इसीलिए इसका टेस्टिंग करना ज़रूरी है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है या क्लासिकल स्वाइन फ्लू है। फायदा ये होगा टेस्टिंग से, पिग्स मरेंगे तो दोनों में ही, लेकिन मारना नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लासिकल स्वाइन फीवर का वैक्सीन है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट एशिया से पुर्तगाल गया और पुर्तगाल से यूरोप में गया और इस तरह से ये फैला। तो स्वाइन फीवर से क्या होगा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से कि मास कलिंग होगा, लाखों पिग्स को चाइना मार चुका है। आसाम में भी अगर कलिंग होगा तो जो लोग पोर्क खाते हैं वो लोग को वो नहीं मिल पाएगा तो वो लोग मटन में और चिकन में शिफ्ट करेंगे, तो मटन और चिकन का भी दाम बढ़ जाएगा, तो इसका इकोनॉमिक भी इम्पैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनियां हैं फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, 4 कंपनियां खास करके, चलिए यहाँ पे है गूगल, फेसबुक, अमेजन एंड एप्पल। ये जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी हो गई हैं। इनको अमेरिका में बोल रहे हैं कि क्या ये टू बिग टू फेल में अब आ जाएंगे। टू बिग टू फेल का मतलब हो गया कि अगर ये फेल करेंगे तो क्या इतना बड़ा नुकसान होगा जो सहने लायक नहीं होगा। लग भी रहा है कि ऐसा ही होगा। और ये जो कंपनियां हैं वो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस करती हैं, तो बात बार बार चलता है कि क्यों ना इन कंपनियों को तोड़ दिया जाए, राइवल कंपनी बनाई जाए। राइवल कंपनियां बनती हैं तो टिक नहीं पाती क्योंकि ये उसको बर्बाद कर देते हैं, ये वो उसको टिकने ही नहीं देते। कैसे नहीं टिकने देते हैं, बहुत सारा तरीका है। एक तो है कि इतना गूगल का, जैसे देखिए गूगल का ग्रिप इतना मजबूत हो गया है सर्चिंग इंजन को लेकर के कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। हम एक अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं कि गूगल का कितना स्ट्रैंगल होल्ड है
आप एक बात देखिए कि अगर हमको अपना इंस्टीट्यूट का प्रचार देना हो सर्च में, तो हमको गूगल को ही देना पड़ेगा, इतना बड़ा हो गया है। तो ये जो है मतलब मोनोपोली हो गया उसका, इससे जो होगा कंपटीशन मार्केट में खत्म हो जाएगा। और उस मोनोपोली से वो करता क्या है कि जैसे सर्च रिजल्ट अगर आएगा, तो जैसे हम अपना इंस्टीट्यूट का कभी कभी सर्च रिजल्ट मार के देखते हैं, मतलब घुमा के, ताकि देखते हैं कि वो शो कर रहा है कि नहीं, तो गूगल का पूरा फर्स्ट पेज में सुलेखा, जस्ट डायल, अर्बन प्रो, ये सारा का सारा रहता है, जो कि खुद इंस्टीट्यूट नहीं है, वो लोग इंस्टीट्यूट के येलो पेजेज हैं। मतलब कि वो इंस्टीट्यूट का तो प्रचार देता ही नहीं है गूगल शुरू में, वेब पेज वाइज, बिजनेस वाइज नहीं, बिजनेस अलग बात हम बोल रहे हैं, वेब पेज वाइज वो उन साइट का एड्रेस देता है आपको, जिस साइट में आपका आंसर मिलेगा, साइट डायरेक्ट नहीं आता। दूसरी तरफ अगर हम बिंज में सर्च करते हैं तो ड्रीम आई एस सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ठीक। लेकिन गूगल का जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली से देखा जाए तो ये कई बार जो सर्च है वो अपने राइवल्स को या फिर गूगल में एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो आप देखिएगा ऐड करके लिखा रहता है तो टॉप में रिजल्ट देता है। तो वो सर्च कोई मारा तो सर्च मारा तो उसको तो वो टॉप में जो रिजल्ट दिखा रहा है वो तो पैसा लेकर के दिखा रहा है, तो ये न्यूट्रल सर्च नहीं हुआ, ये सर्च जो है स्क्यूड हो गया। तो इस बातों को, ये बात है, फेसबुक को देखिए आप, फेसबुक जो है वो जहाँ पे कंपटीशन को खरीद ले रहा है, व्हाट्सएप को इतना ज़्यादा पैसा में खरीदा था जितना कि उम्मीद भी नहीं था कि वो कंपनी को इतना ज़्यादा कोई पैसा दे देगा, उसके पीछे पीछे इंस्टाग्राम को ही खरीद लिया। तो ये एक मोनोपोली, फेसबुक का अपना एक मोनोपोली धीरे धीरे करके क्रिएट हो रहा है। अमेजन का एक अपना इकोसिस्टम है, अमेजन प्राइम, अमेजन म्यूजिक, किंडल, उसका एक अपना इकोसिस्टम, आप उसमें घुस गए हैं तो जल्दी बाहर उसमें से निकल नहीं पाएंगे, आप उसी के अंदर में घूमते रहेंगे। एप्पल का अपना एक इकोसिस्टम है, ये लोग एप्पल का बात कर लेते हैं, एप्पल जो है, एप्पल में मेरे पास एप्पल का ही मशीन है, तो मैक मशीन में जो इसका ऐप स्टोर है, उस ऐप स्टोर में जो अच्छे अच्छे ऐप है वो सारे के सारे पेड ऐप, फ्री ऐप कम है। तो एप्पल खुद भी कुछ ऐप बनाता है, वो ऐप के राइवल ऐप अगर एप्पल से अच्छे हों तो एप्पल कई बार अपना ऐप स्टोर से उसको किक आउट कर देता है। किस ग्राउंड पे? ग्राउंड ये है कि तुम्हारा ऐप में सिक्योरिटी फीचर नहीं है, तुम डेटा कहीं चोरी कर लेगा। तो वो ये सारी के सारे कंप्लेंट्स जो है वो अमेरिका में उठे हैं, और अमेरिका इन कंपनियों को बुला करके और इंक्वायरी कर रहा है कि क्या क्यों आपको तोड़ दिया जाए, या फिर जो आप एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंटी ट्रस्ट ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस, ताकि कोई दूसरा ग्रो ना कर सके, क्यों ना आप लोगों को तोड़ दिया जाए, या कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उस पर एक आर्टिकल निकला हुआ है। तो ये जितना बताए उतना ध्यान में रख के और ये फिर पढ़िएगा आप। आगे बढ़ते हैं, ये जो अभी लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में स्पाईवेयर और स्टॉकवेयर, इसका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बात करते हैं। स्पाईवेयर आपका बिना जानकारी का आपके कंप्यूटर में आ सकता है, दोनों काम एग्जैक्टली सेम करते हैं, स्टॉकवेयर एंड स्पाईवेयर, लेकिन थोड़ा फर्क है। स्पाईवेयर आपके आपके फ़ोन में बिना आपकी जानकारी का आ सकता है, आने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका यूजर आईडी पासवर्ड, आपका फोटो, आपके चैट्स, सारे के सारे वो चोरी कर सकता है, और वो चोरी करके कहीं और भेज सकता है। हम लोग कल ही शायद बात किए थे कि आजकल चोरी हो रहा है, तो ये जो होगा ये अक्सर क्या होता है, आप लोग एक कंप्यूटर का बात करते हैं उसमें आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। आपको ज़रूरत पड़ गया, सोचिए कोई ऐप देखते हैं जो महंगा भी हो और यूजफुल हो, चलिए आप लोग के कंप्यूटर में मोस्ट प्रोबेबली एमएस वर्ड होगा,
एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड जो है हमको पूरा का पूरा उम्मीद है आप लोग खरीदे नहीं है, आप लोग यूज करते हैं बट खरीदे नहीं है। अब खरीदे नहीं है तो एमएस वर्ड कहीं ना कहीं से डाउनलोड किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैक्ड वर्सन, क्रैक्ड। तो क्रैक्ड वर्सन का मतलब होता है कि ये काम करेगा बिना पैसा दिए हुए, यानी कि कोई पर्सन एमएस वर्ड को हम खरीद लिए हैं, हम इसको हम खरीदने के बाद उसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको हम अपने पास रखे, उसमें जा करके उसका रिवर्स कोडिंग से उसका कोड जनरेट किए, कोड जनरेट कर कहीं पे कोड में थोड़ा बहुत चेंज किए, और उसके बाद फिर से हम आपको एमएस वर्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल बांट दिए सबको फ्री में ले जाओ, ठीक है। आप फ्री में यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर में वो ट्रोजन छुपा हुआ हो सकता है, जिसको बैकडोर बोलते हैं, स्पाईवेयर है। लेकिन ये क्या करेगा, वो वहाँ चल जाएगा, आप वर्ड यूज करेंगे, जब आप वर्ड यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रैम में जगह ले लेगा, और रैम में जितने सारे ऐप आप उस टाइम में यूज करेंगे वो सबको देखेगा कि क्या हो रहा है, क्या चैट हो रहा है, और उसके बाद वो भेज देगा। अगर फ़ोन का बात करें तो इसी तरह से किसी ऐप में जो ऐप पेड ऐप है, जब चाहते हैं कि यूज तो करें बट पैसा नहीं देना चाहते हैं, जैसे सोचिए ट्रू कॉलर का बात करते हैं, तो ट्रू कॉलर का फ्री वर्जन आप यूज कर रहे हैं बाय चांस, इसमें कोई स्पाईवेयर है, तो स्पाईवेयर है तो आपसे परमिशन लेगा, अलाउ मी टू यूज योर मीडिया और अलाउ मी टू यूज योर ईमेल, और ये सब सारा का सारा परमिशन ले लेगा, और इसके बाद वो स्पाईवेयर जो होगा वो कहीं डेटा भेज देगा या क्रेडिट कार्ड का डेटा। आजकल क्यों इसका यूज बढ़ गया है, स्पाईवेयर का क्यों बढ़ गया है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सामान जो है वो ऑनलाइन मंगा रहे हैं, और ये ट्रेंड अब चल निकलेगा, तो लोग अक्सर अपना फ़ोन से फिनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह के लोगों को जो इसमें लगे हुए हैं उनको एक बड़ा एक टारगेट ग्रुप मिला है जिस पर ये अटैक कर सकेंगे। तो ये स्पाईवेयर का बात कर दी। दूसरा बात क्या है, स्टॉकवेयर। स्टॉकवेयर जो होता है वो आपका बिना परमिशन के नहीं आ सकता, उसके लिए फिजिकली वो डिवाइस फोन जिसमें स्टॉकवेयर लगाना है वो मेरे हाथ में आना चाहिए, तभी हम उसमें स्टॉकवेयर लगा पाएंगे विथ माई परमिशन, जानते हुए कि हम स्टॉकवेयर इसमें डाल रहे हैं। स्पाईवेयर में पता नहीं होता है लोगों को कि स्पाईवेयर इसमें आ गया है, स्टॉकवेयर में पता होता है कि इसमें स्टॉकवेयर आया है और हम ही तो डाले हैं, तो क्यों डाले हैं, आजकल क्यों कर रहे हैं। एक तो बात है कि आदमी लोग बस काम धाम थोड़ा हो गया है कम, नहीं पहले बता दे करता क्या है, करता क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, अपना पार्टनर मतलब हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस तरह का कोई पार्टनर, अपना पार्टनर का फ़ोन लिए, थोड़ा दिखाओ ना, कुछ भी मेरा फ़ोन नहीं काम कर रहा, नेटवर्क नहीं है, ये है, कुछ भी बहाना करके ले लिया। लेने के बाद स्टॉकवेयर्स आते हैं, स्टॉकवेयर्स उसमें आप डाल देंगे, बस सिंपली डाल देंगे, स्टॉकवेयर इंस्टॉल कर देंगे। अब इंस्टॉल कर लेंगे वो अपने आप को हाइड कर लेगा उसमें, और आपका फ़ोन में जब वो फ़ोन यूज हो रहा होगा तो आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, उस डैशबोर्ड में उस फ़ोन में क्या हो रहा है वो आपको दिखेगा। तो दिस इज स्टॉकवेयर। लोग अपने पार्टनर के साथ भी ऐसा करते हैं और अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं। बच्चों में आप बोल सकते हैं वैलिड है, लेकिन वैलिड तभी तक है जब बच्चा 11-12 साल तक का है, उसके ऊपर में तो ये फिर प्राइवेसी का नुकसान ही कर रहे हैं। मतलब आखिरकार सबका अपना अपना कुछ प्राइवेसी होता है, बच्चों का भी होता है, ये बड़े समझते नहीं है, खैर एनीवे। तो ये जो है पेरेंटल कंट्रोल के लिए भी यूज होता है और साथ ही साथ नज़र रखने के लिए। तो स्टॉकवेयर अभी इस पर्टिकुलर टाइम में, इस टाइम में देखा जाए तो उसका एक रीज़न ये भी है कि लोग ज़्यादातर टाइम घर में रह रहे हैं, फिनेंशियल क्राइसिस है, स्ट्रेस में रह रहे हैं, और लोग जब स्ट्रेस में होते हैं ना, जब परेशान होते हैं, तो लोग किसी को ढूंढते हैं कि किसका ऊपर आरोप लगा दे, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो लोग इस टाइम में क्या करते हैं, अपना पार्टनर का फ़ोन में स्टॉक वगैरह लगा करके कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं कि कुछ तो मौका लगेगा, इसको रगड़ देंगे। तो ये इसका यूज जो है ये काफ़ी बढ़ रहा है आजकल, स्टॉकवेयर एंड स्पाईवेयर। आगे बढ़े, आजकल दुनिया में एक
चल रहा है चैलेंज एक्सेप्टेड। अरे बीच में आजकल साड़ी चैलेंज चल रहा था, तो लड़कियां साड़ी पहन पहन करके और अपना फोटो अपलोड कर रही थी स्टेटस में, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो एक चैलेंज एक्सेप्टेड और भी चल रहा है अभी, ये चल रहा है ब्लैक एंड वाइट फोटो डालने का। ठीक, अब इसका क्या मीनिंग है ये बहुत लोगों को बहुत कुछ क्लियर नहीं है। ना, क्योंकि ये तो आपका परमिशन से डाला हुआ चीज है, ये नहीं डिटेक्ट करेगा। इसको डिटेक्ट करने का वही रास्ता है कि आप अपना ऐप स्टोर में जा करके देखिए कि कौन सा ऐप ऐसा है जो आपका इंस्टॉल किया हुआ नहीं है और प्रेजेंट है, और जब प्रेजेंट है तो हटा मत दीजिएगा उसको, गूगल में सर्च मारिएगा कि है क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि है क्या, तो आप अपना फ़ोन को क्लियर कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आप जैसे उसका नाम लिखेंगे गूगल बता देगा कि सॉफ्टवेयर है, तो उसको फिर हटा दीजिएगा। अच्छा, तो ये जो है ये क्यों, ये वीमेन एम्पावरमेंट से कुछ रिलेटेड है, जिससे कि सारी दुनिया में जो फीमेल्स है वो इसको यूज कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा दुनिया में जो ये लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के कारण जो सिस्मिक नॉइस है, सिस्मिक नॉइस दैट इज एंथ्रोपोजेनिक नॉइस, मतलब ट्रक चल रहा है, ड्रिलिंग हो रहा है कहीं पे, वो कहीं पे पहाड़ को काटने के लिए बम फोड़ रहे हैं, डायनामाइट वगैरह लगा रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो एक्टिविटी बीच में बंद हो गया था मार्च टू मई, तो ये सिस्मिक नॉइस, एंथ्रोपोजेनिक सिस्मिक नॉइस, ये बहुत कम हो गया। तो इस कारण से जो सिस्मोग्राफ्स है दुनिया भर के, वो छोटे छोटे भी अगर अर्थक्वेक्स अगर आ रहे हैं तो उस अर्थक्वेक्स को वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक फ़ायदा है, हुआ है कि अभी इन दिनों कई सारे छोटे छोटे अर्थक्वेक्स के बारे में पता कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है ये आपको पढ़ना है खुद से, हम काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, आपको थोड़ा सा हम बताते रहे ताकि आपको पढ़ने में केवल थोड़ा सुविधा हो जाए। ये आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारे ड्रग्स बना था किसी और कारण के लिए, यूज हो रहा कोविड में, डेमेक्सथाजोन, रेमडेसिविर, फाविपीरावीर, और कल पढ़े थे इटामोलुजाब, तो ये सारे के सारे को बोलते हैं रीपर्पोस्ड मेडिसिन। अब ये जो रीपर्पोस्ड मेडिसिन है, काम बनाए थे किसी और काम के लिए, यूज करे किसी और काम के लिए, तब जबकि पता नहीं है कि काम करेगा भी कि नहीं करेगा, और उसमें भी काम नहीं भी करेगा, बट आपका 30,000 का बिल आ जाएगा, जिंदा रहेंगे कि मरेंगे पता नहीं, लेकिन 30,000-40,000 का बिल आ जाएगा केवल दवा का दाम। तो राइटर मुद्दा उठाया है कि ये जो पैंडेमिक है इसमें जो दवा कंपनियां जो दाम रखी है, ये दाम, ये प्राइसिंग जो है किसी भी तरह से इथिकल नहीं है, क्योंकि एक तो ड्रग का गारंटी नहीं काम करेगा, फिर भी आप उसे प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट जो है अपना मार्जिन बहुत अगर एक कम कर दें कंपनी कम से कम कोरोना तक, तो ये काफ़ी लोगों तक ये पहुँच पाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनका कॉस्ट भी निकल जाएगा, काफ़ी लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो इसके ये बात करते करते ये बात उठाया है कि जैसे इटोलुजुमैब, इसका 32,000 पड़ेगा टोटल कोर्स का, तो ये बात उठाया है कि क्या कर सकते हैं इसमें, सरकारें क्या कर सकती है। तो सरकारें जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, तो ये जो है इसमें कोई दवा जो कोई कंपनी जिस दवा को इन्वेंट की हो वो कंपनी
को पैटर्न मिलता है। आप लोग बहुत कुछ पहले पढ़ा चुके हैं तो आप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा बोल दे रहे हैं, वो कंपनी को उसमें पैटेंट मिलता है। क्यों पैटेंट मिलता है? क्योंकि कंपनियां काफ़ी लंबे टाइम तक उसके लिए रिसर्च करती है, डॉक्टर्स को पैसा देती है, मशीन में पैसा लगाती है, रिस्क लेती है। सोचिए ना, जो एड्स का जो लोग दवा बनाने का सोच रहे होंगे, आज से 30 साल पहले शुरू किए होंगे, आज तक बन नहीं पाया, पैसा बर्बादी हो गया उनका। तो ऐसे में 20 साल तक उनको खुद ब खुद बेचने का मतलब अपना मन मर्जी का प्राइस से बेचने का परमिशन रहता है इसमें। लेकिन ये ट्रिप्स एग्रीमेंट का पार्ट है ये कि 20 ईयर्स का पैटेंट मिलेगा, लेकिन एक उसमें क्लॉज है, उसको बोलते हैं अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, ठीक, तो कंपल्सरी लाइसेंस दिए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कंपनी पैटेंट होल्डर है, जो कंपनी इस दवा को खोजी थी, उसका परमिशन के बिना उसके परमिशन के बिना वो कंट्री बनाएगा दवा। क्यों? क्योंकि उसके लोग मर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट का क्या होगा, वो नहीं ध्यान देगा। वो लोग मर रहे हैं, इतने लोग नहीं मरने दे सकते, दवा है तो कैसे क्यों मरेंगे, तो वो बना देगा। तो इंडिया में 2012 के बाद ये जो हमको सुविधा है ट्रिप्स में, ये सुविधा हम लोग नहीं यूज किया। एक बार पहले एक बार आया था कि एक बार, हाँ, ये जो हमारी सरकार है वर्बली US को वादा कर चुकी है कि हम इसका यूज नहीं करेंगे, यानी कि लोग चाहे जो भी कंडीशन आ जाए, लेकिन हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं करेंगे। कंपल्सरी लाइसेंसिंग करने से दवा का दाम कम होता है। ये राइटर ऐसा बोल रहा है कि अगर कंपल्सरी लाइसेंसिंग अगर नहीं भी करेंगे, लेकिन कंपल्सरी लाइसेंसिंग का अगर डर भी कंपनियों को हो, तो कंपनियां कई बार दवा का दाम खुद ही कम कर देती है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि एक सोफोसबुवीर, ये एंटी हेपेटाइटिस सी मेडिसिन था, इसका दाम $1,000 था। कंपनी जो थी वो इंडिया का किसी जेनरिक कंपनी से टाई अप कर ली, तो 10 पर टैबलेट हो गया। सोचिए, ₹1,000 का दवा, अभी डॉलर टब में हम उसको रुपये कर दे रहे हैं, या 70,000 का दवा 700 मिलने लगा, ठीक। क्यों? टू एस्केप और अवॉइड एनी कोएर्सिव मूव और लीगल एक्शन बाय गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट अगर खाली पत्ता खोलने का बात कर देगी कि हम तो कंपल्सरी लाइसेंस लगाने वाले हैं, तो कई बार हम खुद भी गिर जाएगा। तो बोल रहा है ये राइटर कि ये सरकारों को सोचना चाहिए कि इनका जो दवा का दाम जो बहुत ज़्यादा है, उस दवा का दाम को कम करने के लिए ये कुछ रास्ता निकाले। और ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आया हुआ है, इसका कॉस्ट गवर्नमेंट तो बियर कर ही रही है, इसका कॉस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी बियर करना चाहिए, ये राइटर ऐसा बोला है। पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ नया नया पॉइंट है यहाँ पे। अब हम लोग कोरोना का बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल ऐसा बोल रहा है कि ये हमारा ह्यूमन सेल है, यहाँ पे वायरस है ये वाला। तो वायरल सेल जब अंदर घुसेगा तो हमारा बॉडी, हमारा सेल इंटरफेरॉन, type 1 इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करेगा, ठीक। ये जो इंटरफेरॉन, type 1 इंटरफेरॉन जब प्रोड्यूस होगा, तो आसपास में जो हमारे बॉडी के जो किलर सेल्स हैं, किलर सेल्स, तो ये जो किलर सेल्स है, अगर ये इंटरफेरॉन type 1 इंटरफेरॉन ये प्रोड्यूस करेगा, और करेगा, सार्स घुसेगा, कोई वायरस घुसेगा तो करेगा,
ये जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इसको खा जाएगा या खत्म डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर ये इंटरफेरॉन अगर ये प्रोड्यूस किया तो ये मरा, ये सेल मरा। लेकिन ये सार्स जो है क्या करता है, इसको हमारा सेल का मैकेनिज्म को इस तरह से हाईजेक करता है कि हमारा सेल एक नया प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड पीएल प्रो। और ये पीएल प्रो जब बना, हमारा बॉडी बनाना शुरू कर देता है, तो इंटरफेरॉन वन, टाइप वन इंटरफेरॉन जो होता है, ये इसका सप्रेशन हो जाता है। ठीक, जब सप्रेशन हो जाएगा मतलब इंटरफेरॉन वन नहीं बनेगा, तो हमारा किलर सेल इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो ये आर्टिकल पता लग रहा है कि हमारा सेल का मैकेनिज्म को ही ये हाईजेक कर ले रहा है और बना क्या रहा है, पीएल प्रो। यानी कि अगर कोई ड्रग ऐसा हो जो पीएल प्रो को न बनने दे, तो हमारा इम्यून सिस्टम ये सेल को खत्म कर देगा। तो फोकस होना चाहिए कि पीएल प्रो प्रोटीन हमारा सेल नहीं बनाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल में बता रहा है कि इसका जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए किसका, कोरोना का। या आरएनए आप समझिए, कोरोना का आरएनए हमारा बॉडी में जब जाता है तो ये वायरस इसका एक कैप प्रोड्यूस करता है। ये कैप जो है, ये एक एंजाइम है, NSP16। कोरोना का आरएनए आया और एक हमारा सेल में घुस करके एक कैप बना लिया, NSP16। अब NSP16 का जो कैपिंग हो गया, तो हमारा बॉडी इसको फॉरेन बॉडी डिटेक्ट नहीं करेगा कि अटैक कर दे। ये हमारा बॉडी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो हमारा ही है। तो इस तरह से ये हमारा बॉडी, हमारा सेल को कंफ्यूज कर देता है, कमफ्लाज कर लेता है कि हम तो तुम्हारे तुम्हारे ही हैं। तो ये भी एक नया बात हम लोगों को पता चल रहा है। तो अगर हम लोग NSP16 को अगर बनाने से भी रोक दे इसको, तो भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब दो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक एलप्रो और एक एनएसपी, दोनों को अगर इनहिबिट कर दिया जाए किसी को भी, तो हमारा बॉडी जो है वो इसके इससे जल्दी लड़ लेगा। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग का एक प्रोटीन है, उसका नाम है LY6E। ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। ये कोरोना वायरस को फ्यूज होने से रोकता है। ठीक, कुछ नया नया अब आने लगा है डेटा। तो LY6E अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द वायरस टू फ्यूज विद द होस्ट सेल। कई जगह में अटैक कर सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। कल का ही क्वेश्चन है यहाँ पे, वही बात कि क्या ये फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस आर्टिकल में एक्चुअली वो सब बातें नहीं है। टाइटल से लगेगा आपको कि कैन इट री अकर, तो इस आर्टिकल में लैटेंट वायरस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको। कई सारे हमारे ऐसे वायरस होते हैं ना जो हमारे बॉडी में रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। वो आप उनको दवा खाइए, जो भी खाइए, ख़त्म नहीं होने वाले, वो रहेंगे। और मौका लगेगा तो रिप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। फिर कभी ऐसा होगा कि चुपचाप वो डॉर्मेंट स्टेज में, जिसको बोलते हैं लैटेंट स्टेट, लैटेंट स्टेज में पड़े रहेंगे। HIV इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। HIV टी सेल्स में लंबा टाइम तक, 8 साल 10 साल तक वैसे ही पड़े रहता है। फिर अचानक से वो रिप्लिकेट करना शुरू करता है। रिप्लिकेट करने के लिए सिग्नल आता है। सिग्नल इज कुछ और पैथोजेंस, कुछ एक्टिव हो गए हैं दूसरे उसके अलावा, तो
तो उसी टाइम एक्टिव होगा, एक्टिव हो जाएगा और फिर वो रिप्लिकेट करेगा, रिप्लिकेट करेगा और एड्स हो जाएगा। तो ये लैटेंट वायरस के बारे में केवल इसमें चूंकि डेटा है हम लोग के बारे में, हम लोगों को नहीं पता है कि सार्स टू लैटेंट होगा कि नहीं होगा, बट इसमें लैटेंट वायरस के बारे में कुछ डेटा है तो इसलिए ये आर्टिकल यहाँ पर है। तो क्यों इन्फेक्शन जो होते हैं डॉर्मेंट रहते हैं, और एक्टिव इन्फेक्शन जब होता है तो एक्टिवली रिप्लिकेट करते हैं, और लैटेंट इन्फेक्शन अगर होगा तो लाइफ लॉन्ग ये बॉडी में रहेंगे। ये एचआईवी के साथ यही है एग्जैक्टली, कि एचआईवी लाइफ लॉन्ग रह जाता है। तो कई सारे एग्जाम्पल ये दिया हुआ, हम एक एचआईवी का नाम ले रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़िएगा। तो जब ये रीएक्टिवेट होते हैं तो बोलते हैं लाइटिक फॉर्म, मतलब कि ये रिप्लिकेट करने लगेंगे। ठीक, लैटेंट फॉर्म एक होगा जिसमें ये चुपचाप पड़े रहेंगे सेल के अंदर, और लाइटिक फॉर्म में क्या होगा, ये रिप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। बीच में ये बातें उठ रही थी कि ब्लड टाइप कोरोना का सिवियरिटी को असर करता है। तो बात उठ रहा था कि ए ब्लड ग्रुप वाले जल्दी इस कोरोना उनको हो जाता है और ज़्यादा डेंजरस होता है। तो वो हम पढ़ रहे थे, तो मेरा ए ब्लड ग्रुप ही है तो लगा कि ये तो फंस गए लगता है। खैर, तो ये आया था बात। तो ये जो है अभी कुछ ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ब्लड ग्रुप ओ वालों को इन्फेक्शन का असर थोड़ा कम होता है, लेकिन ये डिफरेंसेज इतने कम है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बेहतर है कि इस बात पे ध्यान न दिया जाए। यानी ब्लड ग्रुप से कोरोना का रिलेशनशिप अब ख़त्म हो रहा है, मतलब वो ख़त्म हो रहा है, मतलब कि जो ये बात उठ रहा था वो बात में कोई जान नहीं है। हमारा कॉलोनी में बड़ा तेज़ी से फैल रहा है कोरोना, अभी हम लोग जहाँ रहते हैं, और स्टार्ट हुआ डॉक्टर से, डॉक्टर का फैमिली, और लगता है अब यहाँ से बड़ा तेज़ी से एक वेव यहाँ पर आने वाला है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोग इतने कंप्लेसेंट है, इतने कंप्लेसेंट है कि मतलब अजीब सा लगता है कि लोग, आप सोचिए कोई डॉक्टर, हाँ कोशिश तो कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम लोग बहुत, ये सुन के लगता है कि मतलब इंडिया के लोग या पता नहीं सारे के सारे लोग इतना कॉम्प्लेसेंस। एक साइकोलॉजी में बोला जाता है एक चीज़ कि हमको नहीं होगा, एक फेनोमेन है ना, हमको नहीं होगा। लोग सोचेंगे ना वो हीरोइन का इंजेक्शन ले लेंगे, अरे अरे हमको एडिक्शन कभी नहीं होगा। ये एक है, गाड़ी तेज चलाएंगे, हाँ मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, ये एक है। डॉक्टर सोचिए, कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हो, और घर में पार्टी दिया गया हो किसी चीज का, बड़ा खुशी है चलो पार्टी मनाते हैं, और आसपास के लोग इकट्ठे भी हो करके वहां पार्टी खाए, तो ये यहाँ पे हमारा सीन है कि कैसे यहाँ पे कैसे आग लगेगा। हम बताएं यहाँ पे आग लगने वाला है, आग लगने वाला है, एग्जैक्टली यही सीन है। आप सोचिए कि कैसे कोई डॉक्टर, और जहाँ दो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर है, वो इस तरह का मतलब नेग्लिजेंसी कर सकता है पार्टी देने वाला का। हाँ, ये हालत है, मतलब हम लोग यूं ही नहीं मतलब बर्बाद हो रहे हैं, कई लोग है इसके पीछे जो हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। हमारा बहुत सारा मेंटेलिटी है जो बर्बादी की ओर ले जा रहा है, जिसको रोल मॉडल होना चाहिए कि लोग उसका बिहेवियर को। इस कोरोना में हम लोग तो डॉक्टर्स को ही देखेंगे ना कि ये जो कर रहा वही काम करो, बच जाएंगे। जैसे लोग
बच्चे किसी के बड़े के पीछे पीछे चलते हैं सेफ सेफ रहने के लिए, हाथ नहीं छोड़ते हैं, तो डॉक्टर्स को तो हम लोग देखते हैं कि ये काम नहीं हो, ये ऐसा डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर खुद ही पार्टी देगा तब तो सब पार्टी देंगे, अरे कुछ लगता है कुछ नहीं है ये ऐसी बकवास है, चलो हम लोग पार्टी करते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हम लोग, ये भी बोला गया था कि वायरस जो है ये सीजनल है, तो वायरस जो है ये सीजनल नहीं है, ये मतलब ये बिल्कुल बकवास बात है, चूंकि सर्दी खांसी को लोग देखे थे कि ये विंटर में ज़्यादा होता है फ्लू का परेशानी, तो लोग सोचे कि विंटर का होगा ये, गर्मी में तो मर जाएगा, लेकिन ये सीधा सीधा जहाँ पे सीधा सीधा जहाँ पे ये सीधा डेटा दिखाया है कि अमेरिका में अभी गर्मी का मौसम है और ब्राज़ील में अभी ठंडा का मौसम है, और दोनों जगह फर्स्ट और सेकंड है ये, तो इसका, और अब ये तो बोला नहीं है, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, और इंडिया में बरसात का मौसम है, इंडिया थर्ड नंबर पे है, तो इसको इस वायरस को जाड़ा गर्मी बरसात से कोई मतलब नहीं है, ये अपना अपना काम कर रहा है, इसलिए इस तरह का बात सोचना बेकार है। अच्छा, अब तो खैर फ्लेयर अप है, अब तो बता ही दिए कि हालत ये है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, अगर अभी कोई मतलब क्रिटिकली इल हो जाए तो भी कुछ सहारा नहीं है, इस 3 महीना में दोनों ही सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ये सोती हुई पकड़ी गई हैं, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना हो गया, पूरा मार्च मार्च चलो छोड़ ही देते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में हम लोग मिड में आ गए हैं, ये 3 साढ़े 3 महीना ऑलमोस्ट 4 महीना ये गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सोती हुई पकड़ी गई है, कि इस बीच में बेड्स बन सकते थे, होटल्स बंद है, सारे के सारे होटल्स बंद है, होटल हॉस्पिटल में तब्दील हो सकते थे, बेड लग सकता था, ऑक्सीजन लग सकता था, लेकिन सब कुछ नैपिंग, मतलब हो जाए और खतरनाक रूप ले ले तो आदमी अपने लोगों को देखते रहेंगे कि डेथ हो रहा है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, और कोई रखेगा नहीं, हालत वो अच्छे नहीं है कुल मिलाकर के, और अपने आप को हम लोग बचा सके तो ठीक है, या फिर वही है राम भरोसे, आजकल तो राम बड़ा भयानक चल रहे हैं, तो राम भरोसे, उम्मीद कीजिए कि असिम्टोमेटिक रहे हम लोग, और हो जाए तो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम के बाद ख़त्म हो जाए। तो हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? अच्छा, दोनों कैंसर कर रहे हैं, सना का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला तो सना बात यह है कि उम्मीद तो यही कीजिए कि हम लोग सबको सबको अभी ही उम्मीद करना पड़ेगा, उम्मीद के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है, कि हम लोग उस 10 में से उस 8 लोगों में से होंगे जिनको कुछ नहीं हो रहा है, जिनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, सर्दी जुकाम हो रहा है और बच जा रहा है, तो हम लोग सबको ही उम्मीद करना पड़ेगा, हालांकि ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है कि सारे के सारे उस 8 में ही रहेंगे, तो फिर 8 और 2 का रेशियो का, बट आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि वो आप उस 2 में नहीं आएंगी, और 2 में भी जो है वो उसमें भी बचने का तो चांस रह ही रहा है, फिर एज भी फैक्टर्स है, कई सारे फैक्टर्स है, लेकिन बात ये है कि अगर क्रिटिकली हुआ तो अब जान बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है, जमशेदपुर में तो शुरू हो गया है रिफ्यूज़ल, टीएमएच से इधर उधर 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 घूम घूम रही है, मतलब बड़ा निराशाजनक है, क्या बोले हम इसमें कि क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दे वही है राम भरोसे अब कुछ लोग जब शुरू में ना मंदिर का बात चल रहा था ना, कि मंदिर बनाने का बात करते हैं और
ये खोलो, मंदिर खोलो, तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि मंदिर क्यों खोल रहा है, उसका क्या जरूरत है, या मंदिर मस्जिद से क्या होगा, बहुत कुछ बातें हो रही थी। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे उसी का तो जरूरत है, वही वही तो बचाएगा, डॉक्टर्स कहाँ बचा रहे हैं। तो अब वही हाल में है हम लोग, अब भगवान भरोसे, अभी राम चूंकि ज्यादा चल रहा है तो राम भरोसे ही है सब। हाँ, अब सूरज का क्वेश्चन में आते हैं। सूरज, जो मेडिसिन यूज हो रहा है वो मेडिसिन एनेक्डोटल एविडेंस पे यूज हो रहा है, कहीं काम कर जाए, बाबा का कोरोनिल से थोड़ा आगे है, ठीक, बाबा का कोरोनिल में लॉजिक नहीं है, इसमें लॉजिक है, बट हम लोग किसी हालत में नहीं बोल सकते कि ये काम करेगा, ये भी मतलब कोई कंट्रोल ट्रायल ही नहीं हुआ है ना, हम लोग कैसे बोले कि काम करेगा कि नहीं करेगा। वायरस को ये कर क्या रहा है ये किसी को नहीं पता, करेगा भी कि नहीं करेगा। हाँ, ये पता है कि ये वायरस को रिप्लिकेट होने से रोकता है किसी दूसरा वायरस को, कोई दवा है जो बोलता है अरे साइटोकाइन स्टॉर्म है उसको ये रोक देता है किसी और कंडीशन में, सोरेसिस में, लेकिन कोविड के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अभी डॉक्टर कर रहे कुछ नहीं तो कुछ भी तो देते रहना पड़ेगा। आरती क्या बोल रही है, नहीं आरती ऐसा बात मत सोचिए, आप बिल्कुल मत सोचिए, आप काम की कोरोना के साथ, कोरोना पेशेंट के साथ में आप हो सकता है असिम्प्टोमेटिक में आप निकल गई, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई अब तो मतलब डेटा तो आ रहा है ना कि टीनेजर को क्या कोमॉर्बिडिटी होता है, जनरली कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं होता, लगभग कुछ भी नहीं होता, तो टीनेजर का भी तो डेथ हो रहा है, तो पेपर में आना शुरू हो गया है कि ये एज कम एज वालों का कम डेथ जरूर हो रहा है बट डेथ हो रहा है। तो देखिए इसमें एक जो हम पूरा का पूरा एक मेरा जो व्यू बना है ये पूरा का पूरा ये में कि ठीक है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जीनेटिक रूट ना हो, कि कुछ खास शायद कभी ना पकड़ाए कि कुछ खास जीन वाले लोगों को मरने का चांस ज़्यादा हो जा रहा हो। सोचिए किसी का कुछ जीन हो जिसके कारण ए सी का एक्सप्रेशन में कुछ डिफरेंसेज आ जा रहा हो, जिससे कि कोई असिम्प्टोमेटिक रह जा रहा है और कोई डेथ हो जा रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो फिर हम लोग कोमॉर्बिडिटी वगैरह जो है वो अपने आप में तो है ही है, लेकिन वो भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि शुरू शुरू में सुन रहे थे कि डॉक्टर एक 60 साल का डॉक्टर और उसकी 30 साल की बेटी, दोनों का डेथ हो गया, तो ये जो है ना फिर 30 साल वाली को नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये भी एक फैक्टर होगा। कई सारे फैक्टर्स होंगे, बोलना मुश्किल है। तो आप जैसे बोल रहे हो वैसे में तो लोग रिस्क ले लेंगे, यंग लोग, जो खतरनाक हो जाएगा। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? एक बार रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लीजिए आरती, आप भी कहीं हो सकता है आपका ये आ गया होगा, एंटीबॉडी आ गया होगा, तो एंटीबॉडी आ गया होगा तो खुल के घूमिए, फिर क्या मास्क लगाना और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन करेगा नहीं वो इंडिविजुअली तो कर नहीं रहा है। तो पॉसिबली और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करते हैं फिर कल। हाँ, कल उनका सुलेखा में क्लास है। हाँ, क्लोज कर रहे हैं फिर।